ईश्वरीय मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा संचालित एडिफाई स्कूल पटना में वार्षिकोत्सव समारोह धूमधाम से मनाया गया। समारोह को बच्चों ने ऐसे मनाया जैसे कोई एक महत्वपूर्ण त्यौहार हो। देश के विभिन्न प्रांतों व वेशभूषा के साथ इसे त्यौहार जैसा विद्यालय परिवार ने मनाया। बच्चों ने अभिव्यक्ति के तहत भारत दर्शन को विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा दिखाया। छात्रों में एक विशेष अनुभूति जागृत होगी जिससे वह सब भारत की विभिन्नताएं, इतिहास, विज्ञान, प्रकृति को व्यक्तिगत रूप से जान सकेंगे और समूह में रहने की प्रवृत्ति, नायक बनने की क्षमता तथा आत्मविश्वास एवं भाईचारे की भावना उनमें प्रबल होगी। इस कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना और स्वागत गीत से हुई। छात्र एवं छात्राओं ने भारत के अलग अलग रीति रिवाज, परंपरा पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जिसका लुत्फ लोगों ने जमकर उठाया। कहीं बच्चों ने थिरक कर और कहीं हंसी के ठहाकों और नाटिका से लोगों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर निफ्ट के डायरेक्टर कर्नल राहुल शर्मा एवं एडिफाई स्कूल के प्रिंसिपल एडवाइजर अजयलाल उपस्थित थे। स्कूल के निदेशक प्रबंधक रविंदर सर एवं पीयूष सर, प्रधानाचार्य अनिता द्विवेदी मैम के निर्देशन में कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का शीर्षक भारत दर्शन के तहत विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाकर अपना परचम जमा दिया जो अविस्मरणीय है। छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया व शिक्षा के साथ साथ छात्रों के कौशल विकास के लिए इस तरह की गतिविधियों के उत्सव को उजागर किया। एडिफाई स्कूल ने इस कार्यक्रम द्वारा बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने में माता पिता के बाद शिक्षण संस्थाओं का अहम योगदान होता है। शिक्षकों को बच्चों को संस्कारवान बनाने के, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के और स्कूल की वार्षिक गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए प्रशंसा की। इस शिक्षण संस्थान के सभी शिक्षकों एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों यह महान उत्सव संपादित किया गया। अंत में मेगावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया जिससे उनका सतत विकास हो और विद्यार्थी अपने स्कूल के साथ साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन करें। सौर भारत की ओर से राकेश रंजन की एक रिपोर्ट। 23 दिसंबर 2023 को हम लोग आज अपने विद्यालय एडिफाई स्कूल पटना का वार्षिक महोत्सव मनाने जा रहे हैं। इस वार्षिक महोत्सव पे हमारा टीम अभिव्यक्ति, हम लोग अभिव्यक्ति के अंतर्गत भारत दर्शन, हम अपने बच्चों के द्वारा अलग अलग तरह के परफॉर्मेंस से भारत का दर्शन कराने वाले। हमारे बच्चों ने अलग अलग तरीके के संगीत, नृत्य और नाटक का आयोजन किया है आप सभी के लिए और प्रस्तुत करने वाले हैं। सभी के थ्रू वो अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं, साथ ही भारत के अनेक हिस्सों को प्रदर्शित करना। इस तरह के एनुअल फंक्शन करने से बच्चों के पास एक मौका मिलती है कि वो अपना एक सबसे पहले एक स्टेज पियर होता है, ऑडियंस के सामने परफॉर्मेंस करने का एक है, हमारे पास लीडरशिप स्किल डेवलप होती है, साथ ही साथ बच्चों को एक मौका मिलता है एक अच्छे मार्क्स के बीच में अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके परफॉर्म करने का। मेरा नाम रविराज हुआ, मैं यहाँ एकेडमी को। एक अटूट विश्वास शुद्धता का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का, जगमोहन लाल शिव रत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिव रत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक पटना।